Dear students, good morning to everybody. Welcome all of you to English online class. Dear students, today we shall discuss your English reader part 1 lesson 8. तो पिला मैंने आज तुम इंग्राजी बही लेसन 1 रो लेसन 5 पार्ट 1 रो प्रैक्टिस द फॉलोइंग क्वेश्चन विषय रे किछ जानिबा। तो नंबर 1 को समस्त देखो कौन लिखा है पिला मैंने ब्रदर नो ही राघव्स नॉट इज लिखा है यह गोटे पूर्णांग वाक्य नुहे भूल अच्छी तेणु आम कौन करवा तलक लिखा अच्छी अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस टी आम तैयारी वाक्य शब्द टी को सजाड़ा तो केमी हे ब्रदर नो हि राघव्स नॉट इच अच्छी प्रथम कौन लिखा नो हि इज नॉट राघव्स ब्रदर नो हि इज नॉट राघव्स ब्रदर हेब ठीक अच्छे। तापर देख नंबर 2 को सी द एग्जांपल एंड राइट गोटे एग्जांपल दे एग्जांपल को देख तापर लिखा हि इज ए डॉक्टर हि इज ए डॉक्टर दे आर डॉक्टर्स आंसर है दे आर डॉक्टर्स चेंज द नंबर एठारे चेंज हो नंबरटा कौन गोटे रु सिंगुलर रु प्लुरार हो इज ए डॉक्टर से जड़े डॉक्टर दे आर डॉक्टर्स से मैंने डॉक्टर तो आम आज कौन करवा तुम्हें क्वेश्चन अच्छी दैट इज एन एप्पल दैट इज एन एप्पल अच्छी तो यह आम चेंज द नंबर कले कौन हे गोटे सेव अच्छी तो दो चार एप्पल से गुड़िक सेव दो चार एप्पल्स हेब ठीक अच्छे पाला मैंने नंबर 3 राइट द प्लुराल ऑफ मंकी आम मंकी रो प्लुराल फॉर्म कर लिखा ठीक अच्छे तो कौन हे मंकी सेव मु लिखी देख समस्ते कौन हे मंकी सेव नंबर 4 टी इज ब्राउन प्रश्न कौन अच्छी मेक ए क्वेश्चन यूजिंग व्हाट आम व्हाट व्यवहार करवा प्रथम एवं प्रश्न तैयारी करवा व्हाट लगे व्यवहार कर प्रश्न तैयार केमी प्रश्न तैयार प्रथम व्हाट लगे टी इज ब्राउन अच्छी चार रंग बादामी तो व्हाट लगे कौन है चार रंग कौन तो व्हाट कलर इज टी लिखा नंबर 5 हि इज डेक्स ऑनेस्ट मैन तो पुट ए एन एठारे ए किंबा एन व्यवहार कर बंधनी रे ए किंबा एन आम लिखा तो बंधनी कौन लिखा हि इज एन ऑनेस्ट मैन कहीं ए एच ऑनेस्ट रो प्रथम अक्षर एच अच्छी कंसोनेंट अच्छी तो एठारे उच्चारण कला बेले जेहेतु अर उच्चारण हो भावल रो तेणु एन व्यवहार हेब हि इज एन ऑनेस्ट मैन ठीक अच्छे पिला मैंने नंबर 6 को देख ई टी एल बी ए केतेटा कैपिटल अच्छे देख ई टी एल बी ए अर्थ किसी जना पड़ूना तो आम कौन करवा अरेंज द लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड अरेंज द लेटर केतेटा लेटर को आम केतेटा लेटर अच्छी अदल बदल होटर अच्छी आम ताकू कौन करवा मेक ए मीनिंगफुल वर्ड गोटे वर्ड हेब गोटे मीनिंगफुल पूर्ण शब्द हो पार तो कौन हे प्रथम कौन लिखले हे प्रथम टी लिखा तापर एपर बी तापर एल शेष हेब टी ए बी एल टेबल टेबल रोटे मीनिंगफुल वर्ड हो ठीक अच्छे पी मैंने नंबर 7 पोस्ट ऑफिस केउठारे अच्छी पोस्ट ऑफिस केउठारे अच्छी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आम यहाँ इंग्राजी अनुवाद करवा तो केउठारे व्हेयर पोस्ट ऑफिस व्हेयर इज द पोस्ट ऑफिस व्हेयर इज द पोस्ट ऑफिस लिखिबा एवं शेषे क्वेश्चन मार्क देवा नंबर 8 व्हेयर इज हेडमास्टर व्हेयर इज हेडमास्टर इनसर्ट द इफ नेसेसरी जदि नेसेसरी ताहले आमे द व्यवहार करिबा व्हेयर इज द हेडमास्टर कौन है व्हेयर इज द हेडमास्टर नंबर 9 इट इज श्री प्रधान हाउस इट इज श्री प्रधान हाउस यार यहा श्री प्रधान घर अटे तो मेक क्वेश्चन टू गेट द आंसर बाय यूजिंग हुज तातले दिया है छे हमें ठारे हुज व्यवहार करी प्रश्न तैयारी बा
तो प्रथम हूज व्यवहार करवा यह कहार घर हेब यह श्री प्रधान घर अटे बोले हूज हाउस इज दिस हूज प्रथम लिखा हूज हाउस इज दिस यह कहार घर तो आंसर अच्छी इट इज श्री प्रधान हाउस यह प्रधान घर। नंबर 10 मेक ए सेंटेंस बाय यूजिंग ब्रदर तुम पाने ब्रदर को व्यवहार कर गोटे वाक्य या ब्रदर लगे गोटे वाक्य गठन करवा आई हैव वन ब्रदर तो विभिन्न प्रकार है तुम्हें मैंने निजे ब्रदर लगे विभिन्न वाक्य गठन करोश्चन पैटर्न तुम परीक्षा ये प्रश्न आसब आमे यह तुम इंग्राजी नोट खात लिख अभ्यास कर ठीक अच्छे पे धन्यवाद।